2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवंत मान जी ने, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ, मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए? सर लुफ्तांसा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस मंत्री से कि चढ़ नहीं पाए। आज साढ़े सूबे का मुख्यमंत्री 6 महीने 10 महीने पहले उठे बैठा होंदा सेगा। I think the whole house knows that the present chief minister of Punjab used to sit in that corner. ते सर मैं थानू चैलेंज कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो ले लो जेडी किन्नी सारी कंप्लेंटा उठो आईया सी गया उना दे अपनी पार्टी ते दूजा तो कि साड़ी सीट बदल दो। जेड़ा मुख्यमंत्री पार्लियामेंट दे विच 11 बजे नशे दी हालत च आंदा सी ओ हुण सूबा चला रहा हैगा। सर सर तुसी भुले नहीं होगे कि आई जद पहली बारी बनिया सी, सर जब पहली बारी इत्थे आया सीगा थानू बिट्टू जी थानू क्यों मुर्चा लग रही ने, मैनू पता है थोड़ा बेली सीगा लेकिन जेड़ा कर रहे उन्होंने तो तुसी भी नहीं नकार सकते। सर पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी, 4 दिन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो है उन्होंने MP बन के तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेके अंदर तक कराई ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हो उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं, और इसलिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कमेटी बनी थी, मेहताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर लेके, क्योंकि ये तो उनकी सोच थी, ये तो उनकी समझ थी। 11 बजे क्या आते थे आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको किया क्या, ये तो हालात है सर। सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ये हिसाब हो गया तो स्टेट का क्या हिसाब होगा? आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों के भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया या तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है भगवंत मान जी ने, इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सो सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ। सो सर एक नेशनल शेम से मैं शुरू करना चाहूंगी क्योंकि कुछ ही महीने पहले, एक आधा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा तो ये होके रह गई कि लुफ्तांसा की फ्लाइट से पहली बारी एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए? सर लुफ्तांसा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस मंत्री से कि चढ़ नहीं पाए। अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एविएशन मिनिस्टर है कि मैं जांच करूंगा तो जांच करके बताऊंगा, लेकिन वो जांच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे। और सर उस हालत में, इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने कहा BMW हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है, तो सर अगले दिन BMW ने खंडन कर दिया, हम तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो सर ये ऐसी नेशनल शेम इस हालात में, तो आप सोचिए मुख्यमंत्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो सूबे राज्य का क्या हाल हो रहा होगा।